जी 1768 से हैं। बहुत बढ़िया भाई हमारे, एकदम तोरा लोग के आशीर्वाद बा, एकदम चक चक बा। और भोजपुरी के स्तंभ हमारे बड़े भैया अभय सिन्हा जी के चैनल यसी फिल्म्स के जरिए हमारे गाना आ रहा बा परसों, जौना गाना के टाइटल बा मजनुआ पिटा था। वो गाना के भी आप लोग आशीर्वाद दे हम जा, उम्मीद बा कि वो गाना भी आप सबके बहुत अच्छा लागी। रोहित वर्मा जी थैंक यू भाई। अर्चना सिंह जी आपके भोजपुरी से ही हूँ मैं भी पहचाने पहचानी तना, सॉरी माफ़ी चाहता नहीं लेकिन प्रणाम करत नहीं आपकी किसी अय्या मत। जितेंद्र पांडे कुमार वेरी नाइस सॉन्ग ब्रदर, थैंक यू मेरा भाई। ये इंस्टा नहीं चल रहा है क्या? इंस्टा चल रहा है। सबके गाना आवे, सबको आप लोग आशीर्वाद दीजिए क्योंकि सबके लिए आप सब ही रियल हीरो हैं। हम लोग बोलते हैं हमार भोजपुरी ऑडियंस भगवान है, वाकई में आप लोग रियल भगवान हैं क्योंकि आप लोग जिसको चाहेंगे वही गदगद रहेगा। बाकी क्या इंडस्ट्री में चल रहा है अपने भोजपुरी समाज में भी या जो भी गायकी है या नेटवर्क आजकल फेसबुक इंस्टा पे लाइव पे आके पता नहीं क्या क्या चलत है, हम तो इस सब के चक्कर में ना रही ला, लेकिन आदमी कितना दुर्भागी कब तक चुप रही, बड़ा दुख होता। लेकिन सब खुशी तो है ही है लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में तकलीफ भी है कि ये सब क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बोलूँ, चुप रहूं तो भी लगता है कि क्यों चुप हूं, काहे चुप हूं। कभी कभी आप लोग हमके देख लो को बजा कि गुस्सैली हम, या कभी थोड़ा हार्ड टॉक कर दिया इंस्टा पे या पेज पे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, सॉरी। फिर भी मैं चुप हो जाता हूं कि जाने दो यार, जो चलो ठीक है क्या बोलना है, चलो तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल दिया दो लाइन और फिर दो चार दिन के बाद कुछ सोचा फिर चुप हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। मैं डरता नहीं हूँ, मैं हाँ बदनामी से डरता हूँ, ऊपर वाले से डरता हूँ, माता पिता गुरुजी से डरता हूँ, आप लोग से डरता हूँ। बाकी कोई ताकत नहीं है जो मुझे डरा दे, बाकी मुझे डर नहीं लगता किसी से। बस ये चाहता हूँ कि मैं ना बोलूँ, ना चाहूँ कि किसी के लिए हार्ड बात बोलूँ या कुछ रिएक्शन दूँ, क्या फ़ायदा नहीं यार। लेकिन जो अभी चलत है ना, अभय सिंह जी नमस्ते भैया, ठाकुर सुधीर सिंह जी नमस्ते भैया, गुड्डू सिंह मौर्या जी नमस्ते भाई, सुमित देवी देवी सुनीता देवी देवी नमस्ते जी, स्मृति खन्ना जी प्रणाम, किंग बाबू 1234 बाप रे बाप कितना हंसले हवा हो, और एक भाई इतना दिल बनाया है। लेकिन ये मैं क्या है ना, हमेशा से हम ज्यादा ना बोलेला, बस यही बोलेला कि इंसान के लिए सारा काफी होता है। आप लोग मालिक हैं, आप लोग भगवान हैं, आप लोग ऐसा माहौल बनाइए कि चाहे हम ही क्यों ना हो, चाह के भी कुछ ऐसा काम ना करें जो वो मतलब शर्मिंदा हो। काम हम लोग ऐसा करें जिससे सबको खुशी मिले, जे जेकर फैन बाओ के लाइक करे, ओके खूब सराहना करे, लेकिन केहू के बारे में आके गलत बोलना या गाली दे देना, ये सब क्या चल रहा है अपने इंडस्ट्री में, नहीं होना चाहिए। हाँ,
पवन श्रीवास्तव जी भैया, अपना भोजपुरी दिन प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है। सही हो ब्रदर, सही बोल रहे हो आप, लेकिन नहीं चाहता हूँ यार कि तैस में आके मैं कुछ बोल दूँ। चाहता हूँ कि शांति बना रहे, लेकिन लगा था कि शांति बनल रहे ना दही लोग, कुछ लोग क्या है ना, एक गलती करता है भैया। जैसे हम लोग मुंबई, दिल्ली, इंडिया, इंडिया के बाहर कहीं भी जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा कि जांच सबके होला, जिससे लगेगा कि चोरी हम ही कैले बनी, चोरी आप ज़्यादा नहीं तो आप ही कैले बनी। लेकिन क्या करिएगा, करता एक है, लेकिन जांच सबको करवाना पड़ता है। तो कहला ना भोजपुरी में गेहूं के साथ घून पिसाइल, वही हाल है। मत करा जा भैया, एकदम हाथ जोड़ के विनती भाई यार, नहीं तो हम भी मान लो इंसान ही हैं। कितना आदमी रोकी, 3-4 साल 5 साल से जिसको जो मन में आता है पवन सिंह के बारे में बोल दो, कभी ये आ जाना, कभी वो चीज़ आ जाना, कभी वो बोल देना, ये क्या है। मत करो ऐसे आप लोग, सब लोग नहीं, लोग तो लोगों की तो दुआ है कि आज हम ये बैठ के इतना बात शेयर कर पा रहे हैं आप लोगों से। बस वही बात है, करता एक है और टेंशन सबको होता है। इतना करोड़ आबादी में हमार बाप भोजपुरी जहान के 40 करोड़ के करीब हमनी के बानी जाए, हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड के बाद हमारी इंडस्ट्री दिखने दिखल चाहत रहे चारों तरफ, लेकिन अपन इंडस्ट्री आप लोग साथ दे हब जा, आप लोग अच्छा के साथ दे ही जा। जेकर अच्छा लगा तो ओकर गाना सुना जा, जेकर फिल्म अच्छा लगा तो ओकर फिल्म सुना जा, लेकिन केहू के बारे में हम कौन होते हैं या आप कौन होते हैं कि टिप्पणी करें उनके बारे में, आके डायरेक्ट बोलना मत करिए। इन सब चीज़ों से भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है, गिरते ही जा रहा है। वो एक भाई बोला ना कि भोजपुरी अपना दिन पर दिन गंदा होते जा रहा है, क्यों ऐसा। काम हम लोग ऐसा करें कि अपना समाज बोले कि यार सीना चौड़ा हो रहा है। बलवंत सिंह, आई लव यू, लव यू मेरा भाई। मोनू पांडे, नए सॉन्ग के लिए बहुत बहुत बधाई बड़े भैया, थैंक यू मेरा भाई। धानु कुमार, धानु जी नमस्ते। शर्मा जी 2.0, भैया एक गाना बस, एक सॉन्ग क्या, सॉरी। जब भी कोई मेरा गाना रिलीज होता है, हम एक दिन बोले थे कि भाई जो भी हमारे भाई गाना सुनते हैं और मेरे गाने को सुन के जो कमेंट करते हैं, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हो। आ गया सॉरी मेरा भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा था। कोई भी गाना रिलीज होला, बढ़िया बढ़िया आप लोग कमेंट लिखे ला जा, अपने भाई के लिए फुर्सत निकाल के हमारे भाई कमेंट लिखते हैं आप लोग, ये हमारा सौभाग्य है। अपने कीमती समय में से हमारे भाई हमारे लिए टाइम निकाल के गाना सुनते हैं और ऊपर से कमेंट भी लिखते हैं, बहुत अच्छा लागेला। सुधीर सिंह जी हाय, दीपक मिश्रा जी, कुमार आनंद जी सर जी मेरा गांव भी आरा जिला में ही है, वाह जय हो। राजा यादव जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस पवन भैया फॉर, थैंक यू मेरा भाई। हम सब भोजपुरिया जहान, इतना बड़ा हमारा परिवार है, हम सब जब एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तब फिर दूसर के उसे ना हमने की कहिए कि के हमारे भाषा के बारे में बोला लाओ, तो वहाँ आदमी सीना अड़का के बोलेगा जिसका हिम्मत हुआ क्या करने का या क्या बोलने का या हमारे भोजपुरी पे उंगली उठाने का। तो जब हमनी के अपनी इंडस्ट्री में बानी जाए और अपने ही इंडस्ट्री में हम लोग उंगली उठाएंगे तो कहाँ से विकास करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग ऐसा माहौल बनाए, हम लोग ऐसा ये करें कि हम सब परिवार एक रहें, हम सब मिल के एकदम खुश रहें, जीवन का आनंद उठाएं,
ताकि हमारे भोजपुरी के लिए कोई और टिप्पणी नहीं कर पाए, और कोई कर भी दे तो हम लोग वहाँ खड़े हों बोलने के लिए कि हाँ जी आपने बोल कैसे दिया, भोजपुरी मेरी माँ है, और अपने परिवार में ही हंसी मजाक चली तो ये अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। आज भी एक जाना कि हम गाना सुननी है, अब क्यों हमरो ऊपर गाना गौले बा। अच्छा बेटा, मान लो तुहार पवन सिंह के गाड़ी दे के तुहार अगर मन में खुशी होता तो के गुदगुदी आवता कि आ हमने आज तो तीर मार दिया पवन सिंह को गाली दे के, ठीक है बेटा तो आप खुश रहो, गाली दे खुश रहो, लेकिन ये सही नहीं है। इसके पहले हम यूपी में भी लाइव आए थे तो बोले थे कि बेटा कुरेदा जा मत, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया फिर चुप हो गया तो मैं डर गया, मैं डरता नहीं हूँ, बोला ना। ऊपर वाले माता पिता गुरु और हमारा ऑडियंस, बाकी किसी की ताकत नहीं है जो पवन सिंह को डरा दे। हाँ ये नहीं है कि मैं कुछ और हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही हूँ, लेकिन हाँ मेरे गुरु जो हैं हमारे अजीत सिंह जी चाचा हमारे, वो सिखाए हैं कि बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं लेकिन स्वाभिमान होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और स्वाभिमान हर इंसान में होना ही चाहिए। तो प्लीज अपने समाज में अपने परिवार में एकता रखा जा, हमसे गलती हो के हमके डांटा जा, क्योंकि आप लोग भगवान हैं। आप लोग ऐसा माहौल रखिए कि हम सब मिलजुल के रहें, हंस खेल के रहें और खुशियां मनाते रहें। आप लोगों ने ही सिंगर से एक्टर बना दिया, तो आज मान लीजिए कॉमेडी सॉन्ग आया है, कल सॉन्ग जो आएगा परसों वो आप लोगों को हो सकता है कि वो गाना देख के आप लोगों का आँख भर जाए। तो हम लोग आपस में ही हंसें खेलें रोएं गाएं बाजा बजाएं, एकदम मस्त रहें, चाहे जिस रूप में रहें जैसे रहें एकदम खिलखिलाते रहें बम बम रहें। बिल्कुल भाई, जब हमने के मिलल जाए तो काम कर जाए, और तनी लेट हो गई बा कुछ, बेटा मेरा आ गया है बोल रहा है केक काटने के लिए, तो आप लोग हमारे प्रदुमन बेटा को आशीर्वाद दीजिए कि वो भी जीवन में खुश रहे और भगवान उसको दुनिया की हर खुशी दें, बेटा मेरा खूब तरक्की करे खूब आगे बढ़े। बाकी जो गाना मेरा कॉमेडी सॉन्ग रिलीज हुआ है, आप लोग सुबह से अभी तक उसको ट्रेंडिंग नंबर वन में रखे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सबको जो आप अपने भाई को पवन को पवनवा को इतना प्यार करते हैं, दुलार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं खुश रहे के बाद। हाँ थोड़ा सा जरूरी काम हो के तू ही घर से ही बाहर निकले के बाद, जरूरी ना हो के तू घर में ही रही जा, अपने घर में ही हंसी जा खेली जा मस्त रही जा। बाकी रुआ पवनवा से कोनो गलती वर्ड मुँह से निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे, भूल चूक के लिए माफ़ी। ओके ब्रदर मुकेश तिवारी जी नमस्कार, आकाश अहिरवार जी नमस्ते भैया, अजय यादव जी प्रणाम भाई, हर्षकांत सिंह जी नमस्ते भैया, कहाँ कया होता अमित सिंह जी हेलो, संतोष पटना जी प्रणाम, आइए माही 45 चले पवन तरो के कौन, बाप रे बाप। ठीक बाप, तनी बेटा के केक काट ली और मैं बहुत खुश हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि अपने परिवार में अपने समाज में जितना जल्दी हो सके और खुशी की माहौल आए, हम लोगों में एकता आए, हम लोग मिलजुल के रहें खुश रहें। केहू के मतलब हम ना चाहिला बोले के, लेकिन क्या करूं यार बोलना पड़ता है। नहीं अपन इंडस्ट्री में हम लोग जितने एक्टर हैं यार, हम लोग एक परिवार हैं, काम करते हैं मिलजुल के, हम सब भाई हैं। आप लोग देखते नहीं हैं कि हम लोग जब मिलते हैं तो जो सीनियर है वो गले लगाता है, जो जूनियर है वो पैर छूता है, तो हम लोग दिल से दिल मिलाते हैं। तो आप लोग क्यों ऐसा हमारे परिवार में क्यों ऐसा हो जाता है कि हम ये हैं हम उस जाति से हैं हम उस जाति से हैं? नहीं, कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। पवन सिंह हूँ तो क्या मुझे सिर्फ सिंह लोग सुनते हैं और लोग नहीं सुनते हैं? तो जब सब लोग सुनते हैं तो हमारे लिए भगवान सब लोग हैं, कोई एक नहीं है।
पर्सनली किसी के बारे में आके, मान लीजिए अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो हमारे लिए बोलो ना यार। कहीं हम बैठते हैं तो कोई किसी का आंखों से दिख जाता है कि अरे यार तुमने ये क्या किया। अरे भैया बेटा कसम हमने नहीं किया। अरे यार गलती तुम कर रहे हो हम कर रहे हो, उसमें बेटे का कसम हमारा आपका खाने का अधिकार क्या है। वैसे ही अगर हमारा लाइन है ये एक्टिंग करना या गाना गाना, तो हमसे अगर गलती हो जाए या सामने वाले से ही गलती हो जाए तो आप उसको कुछ बोलिए, हमको कुछ बोल सकते हैं। बाकी हमारे माँ के बारे में, हमारे बेटी के बारे में या सामने वाले के माँ के बारे में, बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मत करिए आप लोग ऐसा, ये गंध न मचे तो यार बेटर है। क्योंकि हर बेटी हमारी बेटी है, हर माँ हमारी माँ है, हर बहन हमारी बहन है, कोई एक नहीं। अरे वो तो बोला जाता है ना कि जिस कोख से हम पैदा हुए हैं वो तो दुनिया जानता है यार कि मैं उसका बेटा हूँ। लेकिन किसी अनजान के मुंह से अगर निकलता है ना बेटा, और बेटा बोल देता है कि हाँ माँ जी, वैसा धन कमाना चाहिए हर इंसान को। सबको अपना समझिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। खूब आगे बढ़िए। भूल चुप आप। जय माता दी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिक